तो दोस्तों अगर आप भी हैं क्लास 10th में तो आप लोग यार इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिए, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। आपके 4 मार्क्स जो आते हैं हार्मोन और एंजाइम्स में आपको लिखना रहेगा डिफरेंस, इनमें आपको अंतर लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे अंतर अगर आपको क्लास 10th में है? तो चलिए फिर बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अंतर क्या है? हमारा पहला अंतर है देखिए हार्मोन में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बाई पॉइंट द पॉइंट हम समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए देखिए हमारा पहला जो अंतर है इनका वितरण रुधिर द्वारा होता है। हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन जो है इनका वितरण रुधिर द्वारा होता है। आपका हार्मोन क्लियर हो गया, इनका वितरण किसके द्वारा होता है? रुधिर। अगर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिए इनका वितरण रुधिर द्वारा होता है। हमारा दूसरा ये देखिए, हमारा पहले ये इसको कट कर दीजिए। देखिए ये नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचते हैं। ये देखिए ये नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचते हैं। आपका इतना क्लियर हो गया हार्मोन और एंजाइम में आपका एक डिफरेंस क्लियर। इनका वितरण रुधिर द्वारा होता है, ये नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचते हैं। देखिए हमारा इसमें दूसरा अंतर क्या है फ्रेंड्स, आप देखते जाए वीडियो को, बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसमें आपको सारी डिटेल मैं बता दूंगा बहुत ही छोटी सी वीडियो में। देखिए ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, तथा जो एंजाइम्स होते हैं ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। आपको देखिए दो डिफरेंस आपके कंप्लीट हो गए, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हो गए। आपका दो डिफरेंस क्लियर। तो आइए हमने देखते हैं तीसरा अंतर क्या है फ्रेंड्स, आप वीडियो को तो पूरा एंड तक देखते रहिए। देखिए मैं तीसरा अंतर है, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट फिर भी आप इसको समझ में आ जाएगा। देखिए क्रिया के पश्चात हार्मोन नष्ट हो जाते हैं, इनका पुनः उपयोग नहीं होता है। देखिए क्रिया के पश्चात हार्मोन नष्ट हो जाते हैं, इनका पुनः उपयोग भी नहीं होता है। तो उसके बाद देखिए हमारा एंजाइम में क्या अंतर है, एंजाइम है हमारा ये क्रिया के पश्चात अपवर्तित बने रहते हैं, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। आपका तीन डिफरेंस क्लियर होगा फ्रेंड्स, आप इसके कहीं नोट भी करते चलिए ताकि आप बाद में भी इसको पढ़ सकें। देखिए हमारा जो चौथा है, चौथा है इनका अणुभार कम होता है, हमारे जो हार्मोन है इनका अणुभार कम होता है और जो एंजाइम है उनका अणुभार अधिक होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आपको 4 डिफरेंस यहाँ पर क्लियर करवा दिए, आप 4 डिफरेंस को एकदम अच्छे से रट लीजिए। आपको एक बार में फ्रेंड ना समझा हो आप को दोबारा से प्ले करके देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको यार समझ में आ जाए तो आप यार इसको अच्छे से लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स यही छोटी सी वीडियो आपको उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं।